तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एकदम स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। आज की रेसिपी बहुत खास है। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो अपनी डाइट में थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट चाहते हैं बिना स्वाद का कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो मेथी और लहसुन का ये कॉम्बिनेशन आपके टेस्ट को दुगना कर देगा और आपके हेल्थ को भी बूस्ट करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से ये यम्मी डिलीशियस रेसिपी बनाकर तैयार करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच तिल, जिसे हम सीसम सीड कहते हैं। उसी के साथ मैंने 2 छोटा चम्मच मूंगफली को अच्छे से भूनकर उसका छिलका साफ़ कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। और उसी के साथ 1 बड़ा चम्मच मैंने भुने हुए चने ऐड कर लिए, जिसे हम दालिया कहते हैं। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लिया है और इसका फाइन स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। तो ये है वो सीक्रेट मसाला जो इस रेसिपी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। सबसे पहले हमें चाहिए कुछ ताज़े मेथी के पत्ते जो हमारी डिश को एक खास मज़ा देंगे। तो ये देखो दोस्तों, मैंने मेथी को अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसे धो लिया। अब मैं इसे रफली चॉप कर ले रही हूँ और इसे चॉप करने के बाद मैं एक तरफ रख दूँगी। तो आप देख सकते हो पूरी मेथी अच्छे से चॉप्ड हो गई ना, मतलब मैंने इसे बारीक बारीक नहीं रफली काटा है। अब इस मेथी को हम पहले अच्छे से पका लेंगे। तो हमें क्या करना है, गैस पर मैंने कढ़ाई को पहले से गर्म होने रख लिया था, उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड किया। उसी के साथ मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ऐड करी, मतलब 10 से 12 लहसुन ऐड कर लिए। अब जो कटी हुई मेथी थी उन पत्तों को मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ और हम इस लहसुन और मेथी को पहले ही पकाकर अलग से रेडी रखेंगे। ये है इसका इंटरेस्टिंग पार्ट जिससे इन सब्ज़ी में जान आ जाती है और ये सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होती है। तो देखा आपने, मैंने गैस के फ्लेम को लो कर लिया है। अब चम्मच की मदद से पहले मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर 2 मिनट तक मैं इसे ढक कर पकने दूँगी। तो ये देखो दोस्तों, 2 मिनट हो गया है और मेथी की सब्ज़ी अच्छे से पककर रेडी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। आप ऑयल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी में मैंने 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। अब ज़ीरे में अच्छा सा एक तड़का आने तक हम इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए, ज़ीरा अच्छे से अभी पक गया है ना। अब मैंने इसमें 10 से 12 लहसुन की कली को बारीक बारीक कट कर कर इसमें ऐड कर लिया है। जैसे कि आप जानते ही हो कि हम लहसुनी मेथी बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो लहसुन और मेथी के पत्तों से ही ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। अब मैंने इसमें 1 मीडियम साइज़ ऑनियन को फाइनली चॉप कर कर ऐड कर लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ऑनियन को भी हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसी के साथ मैंने 2 कश्मीरी लाल मिर्ची के 2 टुकड़े बीच में से कर उसे ऐड कर लिया है। इससे क्या होता है ना, इसका जो सोंधा फ्लेवर होता है ना, कश्मीरी लाल मिर्ची का जो फ्लेवर आता है वो इसमें आ जाएगा और टेस्ट इसका एनहांस हो जाएगा। उसी के साथ 1 मीडियम साइज़ टोमेटो को भी मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है और उसी के साथ हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। बस 1 मिनट के लिए मैं इसे ढककर रखूँगी ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। तो देख सकते हो कि टमाटर नरम हो गए हैं। अब चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। अब हम हमारे बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच में धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, उसी के साथ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। तो देखा अपने, घर के मसालों से ही ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, पूरा मसाला एक दूसरे में अच्छे से कोट हो गया है ना। अब हम इसे ढककर रखेंगे ताकि ये मसाला हल्का सा तेल छोड़ दे। तो ये देखो, मसाले ने हल्का सा तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें हमारा वो सीक्रेट मसाला डालेंगे, मूंगफली, दालिया और तिल का जो हमने एक फ़ाइन पेस्ट बना के रखा था, बस वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर, 1/2 ग्लास के करीब पानी डालकर उसे भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब चम्मच की मदद से हम इसे बढ़िया से भून लेंगे। गैस के फ्लेम को लो करना है और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब 2 से 3 मिनट तक हम इसे ढककर रख देंगे। तो ये देखिए, 3 मिनट हो गया है और मसाले ने बढ़िया सा तेल छोड़ दिया है। लग रहा है ना, एकदम बढ़िया सा, क्या बढ़िया सा कलर आया है इसमें।
और खुशबू भी बहुत औसम है। अब हम हमारे बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने एक चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर लिया, एक हरी मिर्ची को बीच में से कट करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ आपने देखा मैंने एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड कर लिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसी के साथ जो मेथी हमने पका के रखी थी लहसुन के साथ, बस वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब सारे मसाले और सब्ज़ी को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक सिर्फ इसे ढककर रख लेंगे। तो टन टन। तो दोस्तों ये थी हमारी स्वादिष्ट और हेल्दी मेथी लहसुनी की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। टेक्सचर से लेकर इसकी खुशबू, हर चीज़ एकदम बढ़िया सी है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए वीडियो और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए।